ऐसा बोली थी तुम लोग इस कंपटीशन में नहीं निकलोगे ना तो कहीं नहीं जाने, कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं। अच्छा, मतलब उन लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है कि ये टॉप करेगी? ट्रस्ट ही नहीं था। अच्छा, तो आपका घर कहाँ पड़ेगा? हम अपना चलाएंगे। अच्छा, एगो चीज बताई कि रोरा चौगाई प्रखंड के अंतिम छोर पर बानी, लगभग लगभग ही अंतिम छोर है। हाँ सर। तो रोरा लागत रहे कि इतना लड़का जुट गए हैं? जी सर, ये तो ना लागत रहे, लेकिन सब से पढ़ले लिखन कबो लेकिन गुरु लेखा माने ले। अच्छा। तो जिसे कैसे रोरा कहने की आवाज पहुंचल तो डुमराव से निकल के नचाप में पहुंचल। इनका बढ़िया लगल हमारा के बुलाई ले। इनका कार्यक्रम में नहीं पिछला वर्ष भी एजा कबड्डी मैच भेल रहे, ओजो हम आयल रही तो ई कई मरतबा ऐसा हो गया। जैसे गोल लगत नी समाचार बटुए चौगाई प्रखंड के नचाप पंचायत से क्विज प्रतियोगिता के टॉपर छात्र भैले पुरस्कृत, तमाम शिक्षाविद पहुँचल। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार, सब कुछ देखाई भोजपुरिया। बस खबर के अंत तक बनल रही, सब अतिथि लोग के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चौगाई प्रखंड के ग्रामीण परिवेश में शिक्षा के अलख जगा रहल एगो शिक्षक जेकर नाम संजीव केसरी बटुए, ये अपना गांव से लेके आवार जवार के लैकन खातिर प्रतियोगी परीक्षा के लेके साथे साथ कक्षा छुआ से लेकर के दसवा लेवल तक के छात्रन के एगो टेस्ट प्रतियोगिता के आयोजन कैलन। ये टेस्ट प्रतियोगिता कोनो नया प्रतियोगिता ना रहे, विगत 3 बरस से यह प्रतियोगिता के आयोजन हो रहा बटुए। यह प्रतियोगिता में सैकड़ों के संख्या में बच्चा भाग लेवेलन। 2023 के प्रतियोगिता में भी लगभग 400 छात्र आवार जवार के भाग ले रहन। सबके लैकन के सपना रहे कि हमनी के प्रतियोगिता में टॉप करिया। आज रिजल्ट के बारी रहे, नचाप मध्य विद्यालय के पास खूबसूरत टेंट लगा के यह प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम रखल गई रहे, जौना में मुख्य अतिथि के तौर पे डुमराव में अंग्रेजी के धमक जमावे वाला, अपन अंग्रेजी के खूबसूरती से लोग के बीच बतावे वाला मिस्टर मनोज मुख्य अतिथि के तौर पे, साथे साथे ज्ञान प्रसार फाउंडेशन के गुड्डू सिंह, एकरा अलावे आरा के कई गो शिक्षक मौका पे मौजूद रहन। जैसे जैसे रिजल्ट के घोषणा कैल जात रहे, वैसे वैसे लैकन के अंदर एगो अलगे उत्साह देखे के मिलत रहे। ऐसन ऐसन छात्र हन जवन कि गरीबी से जूझत लेकिन यह परीक्षा में अव्वल अलन, उनका के पुरस्कृत भी कैल गई। भोजपुरिया समाचार अभी ऐसन छात्र लोग जवन कि अपन पढ़ाई के आगे गरीबी के आड़े ना आवे दिले, हर प्रतियोगी परीक्षा में टॉप स्थान टॉप रैंक पैले, ऐसन छात्र के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। साथ ही साथ कुछ आरा के शिक्षक लोग भी कहले कि यह शिक्षा के अलख जगावे खातिर हमनी के भी प्रतियोगिता में टॉप कैल छात्रन के अपना संस्थान में स्वागत करब जा आ फ्री ऑफ कॉस्ट एकनी के शिक्षा दीक्षा देहब जा, यानी एको पैसा ना लेब जा, यह लैकन के आगे बढ़ावे में हमनी के भरपूर सहयोग करब जा। भोजपुरिया समाचार अब बयान सुनावे जा रहल बा। यह मौका पे भाजपा के नेता अभय सिंह भी मौजूद रही, रउरा सभे बयान सुनी। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, एगो लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कैसा लागल, शेयर जरूर करी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। ये कंपटीशन में तुमने टॉप किया है, क्या लगता था तुम टॉप कर जाओगे इस कंपटीशन में? सर मैंने तो और देखा था, उसे लगता था कि मैं मिस्टर मनोज सर के लिए भी टॉप 10 में जरूर आऊंगा। इसके पहले भी कभी पार्टिसिपेंट किए थे? यही आया था पिछली बार, सेकंड थे पिछली बार, यानी कि अब दुगुना मेहनत किए, इस बार टॉप कर गए। तो अभी मैट्रिक का एग्जाम ही होने वाला है आप लोगों का, तो क्या विचार है उसमें? मनोज सर विचार यही है कि और मेहनत करेंगे थोड़ा, अच्छा उसमें भी अच्छा रैंक लाएंगे। क्या बिहार टॉपर बनना है या नहीं बनना है? बिहार टॉपर नहीं, लेकिन उससे थोड़ा भी नीचे जरूर आएंगे, मैंने रहेंगे। तो आपका घर कहाँ पड़ता है? माँ बाप क्या करते हैं आपके? मेरे पापा दुबई रहते हैं। अच्छा, और गाँव घर में खेती वेती होता है। पापा का बोलते हैं वहाँ से बातचीत होती है, तो क्या बोलते हैं आपको? बोलते हैं यही कि आप मेहनत कीजिए, पढ़िए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। कितना मार्क्स आपने लाया है इसमें? तो मेरा 15 मार्क्स है। कितने मार्क्स में? 60 में। तो और आगे भी किसी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है या नहीं लिया अभी तक? नहीं अभी तक नहीं।
अभी तक नहीं लिया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? पिताजी का नाम? घर पढ़ती हो बाबू? सिक्स में। कहाँ घर पड़ेगा? खराटान डेरा पर। तो एग्जाम देने आई थी, किस दिन एग्जाम था? 8 तारीख को था। तो आपके माँ बाप आने दिए एग्जाम देने के लिए? क्या बोले? बोले कि जाओ, कंपटीशन जहाँ होता है वहाँ नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड। तो ऐसा नहीं ना कि माँ बाप आपको दबाव दे रहे थे, लड़की होके कहाँ जाओगी, क्या परीक्षा दोगी, ऐसा कुछ नहीं है? तो इसके पहले भी आपने कंपटीशन कहीं दिया है? नहीं। पहली बार? फर्स्ट। और पहली बार में टॉप? हाँ। आगे क्या करना है? आगे तो इतना सोचते हैं, अगर इतना होगा तो अच्छा है। क्या सोची है? सोच है। अभी सोची नहीं है कि सोच ली है? सोची नहीं है। उन्हें आगे खूब नाम करना है माँ बाप का। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे और पापा एक नेता हैं और मम्मी हाउसवाइफ। नेता हैं? अच्छा। क्या अच्छा, आपका नाम क्या है? राखी कुमारी। राखी कुमारी। पापा का नाम क्या है? संजय यादव। घर? क्लास में टॉप की हो बाबू? 9 में। इसके पहले भी टॉप किया आपने? कितनी बार ज्ञान प्रसार फाउंडेशन में वहाँ पे टेस्ट होता था ना, चेन्नई से है, चेन्नई से हमारे कितनी बार आई हूँ टॉप की है। एक बार फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर एक बार 8th। कितना देर आप पढ़ाई करती हैं घर पे? जितने घंटे जितना वर्क करना होता है बस उतने घंटे, उसके बाद अपने से जितना मन करता है उतना। कितना लगभग प्रत्येक दिन? आई थिंक 4 या 5 घंटे। 4 या 5 घंटे। तो आप ट्यूशन का भी सहारा लेती हैं? हाँ, ट्यूशन बस एक्सीलेंट ट्यूशन में चाप में पढ़ती हूँ नीतीश सर के द्वारा। अच्छा। हाँ। तो ट्यूशन और खुद का मेहनत, आज इस मुकाम पे आपको अवार्ड मिला है। हाँ। तो इस अवार्ड को सबसे पहले किसको दिखाएंगे? मेरी मम्मी तो यहाँ पे देखी ली, अब सबसे पहले मैं अपने पापा को दिखाऊँ, क्योंकि वो कभी बिलीव ही नहीं करते थे कि मैं निकल भी सकती हूँ। अच्छा, आपके पापा नहीं करते थे? नहीं करते थे। क्या बोलते थे? बोलते थे, उसके बाद मेरी चाचा भी कभी बिलीव ही नहीं करते थे कि हम किसी कंपटीशन में मैं निकलूंगी। अच्छा। हम लोग जब मेगा का एग्जाम देने गए थे ना, उस दिन भी वो ऐसा बोली थी, तुम लोग इस कंपटीशन में नहीं निकलोगी ना तो कहीं नहीं जाने, कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं। अच्छा, मतलब उन लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है कि ये टॉप करेगी? ट्रस्ट ही नहीं था। अच्छा, तो आपका घर कहाँ पड़ेगा? एपी छोटकाड़ी। तो आपकी माता क्या है? मम्मी टीचर है। टीचर हैं। हाँ। तो आपको क्या बनना है? मेरे को तो आईएएस बनना है। आईएएस अधिकारी बनना है? हाँ। तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना होता है। हाँ। भारत का सबसे टफ नौकरी है, पता है ना? हाँ। तो उसमें 1000 लोगों का ही 1 साल में सिलेक्शन होता है, और इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें टॉप करना है, होगा? हाँ, मेहनत करूंगी तो क्यों नहीं होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? साक्षी कुमार। घर? ये पे छुटकाड़ी। पिताजी का नाम? अजय कुमार। क्या अजय कुमार? बिजनेस कुमार है, बिजनेस करते हैं। ठीक। ये हो किस क्लास में टॉप आ गए? 10th में। हाँ। टॉप कर गए? अच्छा। हाँ। तो कितना सवाल का जवाब आपने दिया है? तो 50 नंबर मेरा है, बट हमने सारा टच किया है। सारा टच किया है। कितने मार्क्स का था आपका एग्जाम? 60 का। उसमें 50 नंबर पाया आपने। अच्छा, घर पे जाके आपने उसको करेक्शन किया है कि क्या गलत बनाया, क्या सही? हाँ, करेक्शन किया उसी दिन किया। तो क्या लगा आपको? थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। उसी दिन लगा आपको? आप अपने अनुसार कितना पा रहे थे नंबर? 56। बट उसमें मतलब कुछ गलत हुआ। अच्छा, लेकिन फिर भी बेहतर आया है, टॉप किए निकला तो नहीं है ना, और बेहतर करना है। कहाँ घर है आपका? रामपुर। केसठ प्रखंड, रामपुर पंचायत के रामपुर गांव। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। पिताजी का नाम क्या है? मनोज कुमार प्रसाद। ठीक सर। जी सर। चाहे वो कमेंट्री हो खो, अच्छा है, और क्लास हो, गर्दा उड़े ले रही अंग्रेजी में, आज भोजपुरी में और गर्दा उड़ी, और भोजपुरी है गर्दा उड़ा होता। हेलो, जब संजीत के पापा से क्वेश्चन पूछनी है ना, तो हम लोग देखे खातिर होने चल गए। अच्छा, इतना बढ़िया रो भोजपुरी बोली ना। हाँ। आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए थे। आज भोजपुरी बोल जाओ, अंग्रेजी ना चलिए बरा। एक चीज बताइए, पूछिए रोरा, पूछिए। ये देखी ला हम हमेशा, क्या है चौगाई में होखे वाला ज्ञान प्रसार फाउंडेशन बा। हाँ। या फिर एहजा जवनी कंपटीशन के प्रतियोगिता भइल हटुए, हर जगह रौरा तत्परता के साथ, आ खेल में भी वही तरी। हाँ। अभी फिलहाल में वो खेल प्रतियोगिता रहा डुमराव में भइल है। हाँ। बड़ा बृहद स्तर पर कई गो राज्य के खिलाड़ी आवेल लोग। हाँ। और पूरा जौन बटुए कमेंट्री रौरे मुँह से चलत रहा है। ये हमारा माध्यम भी हमारा भी आवत रहे रहू बेटी। तो मैंने एगो रौरा अंदर अलग जुनून दिखेला का कारण।
कारण रोरा लिखा लोग बढ़े सब इतना प्यार करी ना आवाज के कि बोले में अच्छा लगेला आ पढ़ाई के लोग पसंद कर ले आवाज के पसंद कर ले रोरा कारण तो स्वयं बता देने कि हमारा भी पहुँचेला यानी कि कहीं ना कहीं हमारा आवाज डुमराव से निकल के चौगाई के दिल तक पहुँचल न एक मतलब रोरा कारण गाँवी इलाकों में पहुँचा था गाँवी इलाकों में क्योंकि गाँव में ही हमने के आत्मा बसेला हमने के शहरी ना आने जा हमने के ठेठ गाँव ही आने जा अंग्रेजी पढ़ाओ तो नहीं अलग बात बैठे लेकिन दिल तो भोजपुरी बा जबान भी भोजपुरी बा ये अलग बात बा कि हमने के भोजपुरी मिट्टी में पैदा होके भी अंग्रेजी पे इतना बढ़िया पकड़ बना लेंगे ताकि विश्व के कोनो कोना में चल जाएंगे तो कोई ना कहे कि भोजपुरी मिट्टी से आई बटे एक अंग्रेजी का योगरा के अंग्रेजी में बिछोड़ा दिया क्या अच्छा एक चीज और बता दी तो बहुत बढ़िया सुंदर बात कहनी जी जो कॉम्पिटिशन भले है ना चाप पंचायत में पहला दफा रुराई जाए नहीं है कि अगर पहले भी रुराई बने संजीत हमारा पहले भी बोलीले बड़े ही हमारा बहुत बड़ा प्रशंसक रहले हमारा आवाज के अच्छा। ये हमारा से पढ़ले लिखन कबो लेकिन गुरु लेखा मनेले अच्छा। तो जिसे कैसे रुरा कहने के आवाज पहुंचल तो डुमराव से निकल के नचाप में पहुंचल इनका बढ़िया लगल हमारा के बोलैले इनकर कार्यक्रम में नहीं पिछला वर्ष भी या कबड्डी मैच भेल रहे जो हम आयल रही तो कई मरतबा ऐसा हो गए जिसे चौगाई में रौरा भी संदेश का देवे जिला के लड़कन के संदेश ये देम कि अपना आपके कभी भी कमजोर नहीं के माने के जितने कमजोर मानव जा उतने ही दुनिया कमजोर समझी तो एक लाइन मैंने अभी अभी लिखा है आपके लिए कि मैं कमजोर हूँ मैं मजबूर हूँ लेकिन मैं कमजोर नहीं मुझ पर आज भी किसी का जोर नहीं अच्छा। तपता हुआ सूरज का धूप हूँ मैं कोई मध्यम किरणों का भोर नहीं मजबूर हूँ कमजोर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जी यह प्रतियोगिता के देखनी रहो एगो रौरा शिक्षक भी बानी आ ये एक से एक धुरंधर शिक्षक जुटल बने बिल्कुल का कहब रौरा क्या कहेंगे सबका साथ है सब कोई के साथ बा भोजपुरी में सॉरी अच्छा सब कोई के साथ बा आ सब कोई के विकास बा और सब ये मोदी जी के कहना सब कोई शिक्षा से जुड़ल बा बहुत अच्छा लगल और शिक्षक लोग अइलन और कुछ शिक्षक लोग के पढ़ावल लइका भी में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कलन तो लोग रौरा सर तो मान ली कि शहर में पढ़ावत नहीं जी शहरीकरण देखत नहीं कार उरा निखे लागत कि देहात के लइकन के भी आगे बढ़ावे के जरूरत बटुए हम भोजपुर जिला में पढ़ाई ला आराम में तो भोजपुर भोजपुरी ही है भोजपुरी हो लेकिन हाँ। मटिया के लइकवा ओजा ना पहुँच पावल या तो गरीबी मार देवेला या फिर पैसा आर्थिक अभाव हो जाला एक खातिर कोनो योजना बनी नहीं सब कि ना बिल्कुल बा हमनी के टेस्ट भी लेवे ला जा वो टेस्ट में अच्छा किला पर हमनी के फ्री और कॉपी किताब के भी व्यवस्था बा साथ साथ गरीबी कोनो मैटर ना करेला बहुत सारे गरीब लोग जैसे बारहवीं कक्षा के हिंदी में रुआ पढ़म ओम प्रकाश वाल्मीकि का एगो कहानी बा ओकर नाम है जूठम वो बच्चा अपन गरीबी में जूठा खा करके लोगों को और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो ऐसा नहीं है बहुत अच्छा कल जा सकेला गरीबी कुछ मैटर नहीं है करत मैंने आगे और संस्थान एगो ऐसा काम करे कि गाँव के लइकन के वो शहर में ले जाके कम से कम अपना तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जौन तेज तरह लड़का होकर बिल्कुल कमेंट भी भैया कि जौन लड़का प्रथम स्थान प्राप्त के लिए बन वो लड़का के जैसे संयुक्त रूप से कुछ बच्चा प्रथम स्थान दो दो बच्चा प्राप्त के लिए बन लो तो लोग भी बच्चा वेलकम बा उनके पढ़ावे खातिर हमारा नाम माँ सरस्वती मैथमेटिक्स क्लासेस खातिर ओवर ब्रिज आरा नाम प्रीतम कुमार ठीक आई गुरु जी जी और ज्ञान प्रसार फाउंडेशन तो आज से ना विगत कई बरिस से चल रहा बा लेकिन जिला प्रशासन के कहीं सहयोग मिलत नहीं है दिख रहा लेकर पीछे के रोरा का लगत है पहला तो रोरा के भोजपुरिया चैनल के बहुत आभार हम व्यक्त करते नहीं कि जैसे हम ज्ञान प्रसार फाउंडेशन खातिर गांव गांव में लेकिन खातिर प्रयास करते नहीं तो रोरा भी बहुत अच्छा काम करता नहीं कि हर खबर के उठा के समाज तक पहुँचाबे काम करता नहीं एकरा खातिर रौरा के कोटि कोटि धन्यवाद और रौरा चैनल के आगे बढ़े खातिर भगवान से बहुत सारा निवेदन कि भगवान रौरा के दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ावस रह गए कि देखी थाना प्रशासन हमारे मदद करता कि नहीं करत ओकर से हमारा मतलब नहीं के हमारा एगो हार्दिक इच्छा बा कि हर घर में हमारे एगो जिज्ञासा बा जिद बा हर घर में प्रतिभा के धनी के पैदा कर देवे लेकिन रौरा तो जिला प्रशासन से मिलनी आश्वासन भी मिलल लेकिन धरातल पर कुछ ना पता ना जे भी कारण होखे लेकिन अभी तक ले हमारा नहीं मिलल इमें तो दूर आए नहीं खे हम बहुत बार जाके अपना सिस्टम के भी देखौले बने तरीका के देखौले बने कि भाई हम कैसे परीक्षा लेता नहीं रुआ देखी सबे कहे से रुआ सब सिलेबस कम फॉलो करता नहीं
अगर रउआ सब एमें मदद करब तो हर स्कूल में लड़का प्रतिभा के धनी पैदा हुई है, लेकिन अभी तक ले ना मदद मिलल आयकरा खातिर कोनो हमारा निराशा नहीं है। अच्छा रउआ पर छे हमार गुड्डू से नाम पड़ी ज्ञान प्रसाद। हाँ अब देखी हमनिये के ई बा जौन भी लड़का संजीत जी करोले बनी तो हमारा 2016 से लड़का जुड़ल बने आ कहीं ना कहीं वो काम के प्रेरणा इनका मिलल कि ना हम भी कुछ कुछ करावे के चाहिए तो ना जरूर सामने दिख रहा है। गुड्डू सिंह चौंगाई ज्ञान प्रसाद फाउंडेशन। गाँव गवई इलाका में कैसन चिराग जो रहले बनी के यह रेला भोल बटुए कुल बच्चन के। सर ये एगो श्रद्धा बाटे और ये 3 साल से हम करावत नहीं, हमारे दूसरा साल है, पिछला साल भी भई रहे, बहुत अच्छा आयोजन रहे और एकरा में करावे खातिर बहुत सारा सबके सहयोग रहे के चाहिए, बहुत गांव के सब शिक्षक लोग बानी सबके सहयोग रहे में तब जाके ये सफल हो पावला और एकरा में करीबन 400 स्टूडेंट शामिल रहन और इमें हमनी के आज पुरस्कार वितरण समारोह में टॉप 10 के हर एक ग्रुप से हर क्लास वाइज जौन रहे सब उसमें टॉप 10 जौन भी लड़का रहन उनका के पुरस्कार वितरण कल गई है। और अभी अभी कुछ दिन बाद हम डुमराव में अपन कोचिंग खोले वाला बानी मैथमेटिक्स खातिर, मैथ पढ़ावत हनी 11th 12th खातिर, मतलब इंटर में जौन लड़का साइंस लिहन उ डुमराव में अहन तो हमारे वो क्लास खुली माँ सरस्वती मैथमेटिक्स क्लासेज एक एगो आरा ब्रांच बा, हमारे सर भी आए हैं यहाँ पे तो आरा ब्रांच है और एगो डुमराव में खोलत हनी खुद हम स्वयं अपना चलाएंगे। और अच्छा एगो चीज बताई कि रौरा चौगाई प्रखंड के अंतिम छोर पर बानी लगभग लगभग ये अंतिम छोर है। हाँ सर तो रौरा लागत रहे कि इतना लड़का जुट गए हैं। जी सर ये तो ना लागत रहे लेकिन सब गुड्डू सर बानी चौगाई से काफी सहयोग कैनी और तमाम और भी शिक्षक बानी सब सबके सहयोग रहला सर तभी सफल हो पावला। बड़ा कुल देख के जर तो कि कहाँ से करा दिया है ना सर ऐसा तो बात नहीं है सबके सपोर्ट रहेला गाँव में अपन एगो अलग छवि बा लोग पहचाने लन शिक्षा के माहौल बनैले बानी अपन क्षेत्र में ऐसा बात नहीं है सर सब बढ़िया बस तो का सोच के ही गांव से शुरुआत कैनी रहा सर ये हमार जन्मभूमि बाटे हमारी अपन गांव बा यही से जैसे शुरू कल गई ऐसा बात नहीं है कि ऐजा से शुरू कल गई बा तो ऐजे के लड़का भाग लिहन सबके मौका मिलता जहाँ से भी अपन क्षेत्र के अपना इलाका के लड़का बढ़न ऐजा से शुरुआत कल गई बा ऐसा बात नहीं है कि अब धीरे धीरे एकरा के आगे बढ़ावल भी जा सकता लड़का भाग एकरा से जुड़ल जा सकता है हमारे संस्था से लोग जुड़ल। क्या नाम है उस संस्था के? हमार संस्था के नाम हटे MSMC 2 मतलब ये हमारे क्लास के नाम है माँ सरस्वती मैथमेटिक्स क्लासेज एक सौजन्य से तत्वधान में रहो कार्यक्रम चल जी जी तो ये कार्यक्रम अभी चली जी ये प्रत्येक साल चली प्रत्येक साल चली ये श्रद्धा बाटे एक से कोनो लोभ भाव नहीं है हमारे लेकिन ये जन प्रतिनिधि ना लोग जन प्रतिनिधि सर सब काम में व्यस्त रहन सूचित कल गई रहे लेकिन कुछ लोग आई रहन ऐसा नहीं खे लागत कि शिक्षा के नाम पर दूर दूर जन प्रतिनिधि भागत रहे ये तो बात सही बा सर सही बात बा सर ये जौन रहुआ बात कहते नहीं एकदम सही बा कुछ शिक्षा के इनवाइट कोइले रहे कि नहीं बताए एकदम सर सबके पास कॉल कल गया एक बार ना दो बार तीन बार सबके पास कॉल कल गया कि सर आइए तो जो भी है किसी को ब्लॉक में काम हो जाता है क्योंकि ये नहीं होने मतलब तो शिक्षा के नाम पर समय नहीं है। हाँ सर सही बात पर्चे का हटुए हमार नाम अभी तो संजीत कुमार केसरी बाटे पिताजी भी मौजूद बानी गुरु जी भी हमारे मौजूद बानी है यही जगह पर सब लोग और अभी आवे वाला समय में एक नया नाम मिलल बा केसरी सर के नाम से जौन की बच्चन के गाइड करम इसीलिए ये हमारे पिताजी हैं काफी सहयोग रहता है घर से सपोर्ट रहता है सर इसीलिए ये सब परिचय का हटुए हमारे परिचय बाटे परिचय मतलब क्या सर अपन नाम बताइए नाम बता दी नाम बा संजीत कुमार केसरी सर पूरा नाम संजीत कुमार केसरी अभी घर नचाप हटे